एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कई लोगों के जीवन में महान दुख है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, तनाव है, क्योंकि उन्हें शक है कि उनके पति या पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का किसी और से प्रेम संबंध है, शारीरिक संबंध है। जब ये शक विश्वास में बदल जाता है तो वो संबंध पूरी तरह से टूट ही जाता है। कई लोग सिर्फ इसलिए डाइवोर्स नहीं लेते हैं क्योंकि बच्चों के कारण, बच्चे के जीवन में उन्हें बहुत नुकसान ना हो, इसलिए वे डाइवोर्स नहीं लेते हैं। साथ में रह रहे होते हैं पति पत्नी, पर उनमें आपस में कोई प्रेम संबंध नहीं होता है। और डाइवोर्स में संपत्ति का बंटवारा है वगैरह के इन सब कारणों के कारण भी लोग डाइवोर्स नहीं लेते हैं। तो इस व्हाट्सएप फेसबुक के इस युग में कई लोगों के जीवन में इस तरह का दुख है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रह पा रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कई लोगों के जीवन में इस तरह से टेंशन डिप्रेशन है, कई लोग सुसाइड कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो इसका क्या उपाय है? हमें समझना चाहिए कि मनुष्य की वास्तविक स्थिति क्या है। सभी मनुष्यों में चार कमियां हैं। सभी गलतियां करते हैं, सभी में धोखा देने की प्रवृत्ति है, सभी की इंद्रियां अपूर्ण हैं, आँख, नाक, कान, इन सब की देखने, सूंघने, सुनने की सीमित क्षमता है, और सभी भ्रमित होते हैं। तो हम अगर किसी मनुष्य से प्रेम करेंगे, उसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, तो हमेशा संभावना है कि हमें उस प्रेम में धोखा मिले। तो हम गलतियां करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, गलत व्यक्ति को हम सही समझ के उसके अपना जीवन समर्पित करते हैं और उस प्रेम संबंध में हमें धोखा मिलता है। तो हमें चाहिए कि समझें कि मनुष्य कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है, और अगर कोई पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं भी, तो भी ऐसे संबंध से हमें कोई विशेष लाभ है नहीं, क्योंकि ऐसा पति या पत्नी हमारे दुखों से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। हमारे जीवन में जो वास्तविक दुख हैं, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु और वापस से जन्म, और ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। तो भगवान में ये चार कमियां नहीं हैं, उनमें धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है, और वो समर्थ हैं हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिलाने में। तो हमें चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करें। कई सारे भक्त हैं जिनका श्री कृष्ण से पत्नी पति का, प्रेमी प्रेमिका का संबंध है, तो वही भगवान ही हमारे प्रेम के सही अधिकारी हैं। मनुष्यों से प्रेम करेंगे, हमें धोखा ही मिलता है, और धोखा ना भी मिले तो भी हमें वे संबंध ही हमारे, हमें वास्तव में हमारे दुखों से हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं ऐसा पति या पत्नी। तो हमें चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करें, उसमें हमें कोई धोखा नहीं है, और भगवान हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से भी हमें सीखना चाहिए। रामायण में उल्लेख है, शूर्पनखा उनके पास आती है प्रेम प्रस्ताव, विवाह प्रस्ताव लेके, पर श्री राम उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और वो कहते हैं कि वे अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित हैं, वे नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से सीता को दुख हो। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हमें सीखना चाहिए। तो पहले तो हमें जो भी हमारे संबंधी हैं उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए, पति पत्नी जो प्रेम संबंध है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर मान लीजिए कि आपके को धोखा मिलता है इस संबंध में, आपका जो पार्टनर है आपको चीट कर रहा है, तब उस स्थिति में क्या किया जाए? कई लोग हैं कि ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप होता है, फिर दूसरा पार्टनर ढूंढ लेते हैं, उसमें ब्रेकअप हो जाता है, और फिर शादी में भी विवाह डाइवोर्स होता है, फिर विवाह, फिर डाइवोर्स, ये सब चलता रहता है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हमने पिछले जन्म में पाप किए हैं और इस जन्म में पाप किए हैं, तो उसका फल तो हमें भोगना ही है, उसके चलते हमारे जीवन में दुख आना ही है। तो हमें ये पाप करने की प्रवृत्ति को कम करना चाहिए, पाप करना बंद करना चाहिए, ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए कि जब तक हमारे पाप है हमारे जीवन में दुख आएगा। भले ही हम पार्टनर चेंज कर लें, एक से हमें दुख मिला, धोखा मिला है, तो हम दूसरी शादी, दूसरा ब्रेकअप करके दूसरा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ लें तो हमें सुख आ जाएगा जीवन में, ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी धोखा दे सकता है, और तीसरा भी। तो हमें समझना चाहिए कि जब तक हमारे जीवन में पाप हैं तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा। तो हमें ध्यान इस पे केंद्रित करना चाहिए कि हम पापों से मुक्ति हमें मिले, और हम पुण्य करें, भक्ति करें, भगवान की कृपा से हमें हमारे पिछले जन्म के और जन्म के जो पाप हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं, फिर वास्तव में हमारे जीवन में सुख आएगा। तो हमें समझना चाहिए कि तो सांसारिक व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो हमेशा उसमें धोखा हो सकता है, संभावना है, और जब तक हमारे पाप हैं तब भी हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा।
तो उसे भी ये पार्टनर चेंज करने से, डाइवोर्स लेने से सुख नहीं आएगा। एक व्यक्ति ने धोखा दिया है तो दूसरा व्यक्ति भी धोखा दे सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि डाइवोर्स लेना कोई हल नहीं है, कोई सुख की गारंटी नहीं है। हमें भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आप एक ऐसे मनुष्य को अपना जीवन समर्पित करते हैं जो आपका आपको दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकता और उसके ऊपर वो आपको धोखा भी देता है, तो फिर इस तरह से जीवन में बहुत महान डिप्रेशन और तनाव आ जाता है। तो उससे बेहतर है कि हम भगवान से प्रेम करें और हमारी पूरी शक्ति वहाँ पूरा समर्पण भगवान के प्रति रखें। तो जो भगवान से प्रेम संबंध विकसित होगा उसमें कोई धोखा नहीं है और भगवान हमारे वास्तविक हितेशी हैं, हमारे रक्षा करते हैं और समर्थ हैं हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाने, हमें मोक्ष देने में। जन्म मृत्यु और बुढ़ापा बीमारी का जो चक्र है बार बार, उसे हमें मुक्ति दिला सकते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम किसी मनुष्य को अपना जीवन समर्पित न करते हुए भगवान को अपना जीवन समर्पित करें, हमारी पूरी शक्ति श्री कृष्ण से प्रेम संबंध स्थापित करने में लगाएं, भक्ति में हमारा प्रमुख ध्यान हो। जब हम इस प्रेम की पूर्णता को प्राप्त होंगे तो आप यहाँ पर वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस संसार में। मृत्यु के बाद आप भगवान के धाम में भगवान के साथ जाके रह सकते हैं और वहाँ पर कोई बुढ़ापा बीमारी मृत्यु नहीं है और वहाँ पर उस प्रेम संबंध में कोई धोखा भी नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें तो सही व्यक्ति से प्रेम करना है। सांसारिक व्यक्ति में हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति है तो उन संबंध में हमेशा धोखा मिलने की संभावना है, इसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में पाप है तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, तो हमें इस पाप करने की प्रवृत्ति को भी बंद करना चाहिए और भक्ति में लगना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।